हेलो गाइस, इट्स मी अभिजीत फ्रॉम ब्लॉग जीडब्ल्यू। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, आवर नवा का जो पार्ट वन था, आज पार्ट टू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैं उस दिन जब यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत लोग इधर से आके इधर से रोड क्रॉस कर रहे हैं, और तभी पुलिस ने बहुत ही फाइन मार दिया। ये रूल नहीं है। तो आप लोग इधर से आ रहे हो तो लेफ्ट साइड होकर रोड क्रॉस कीजिए, अगर उधर से आ रहे हो तो फिर से उधर के लेफ्ट साइड होकर रोड क्रॉस कीजिए, वरना आपका चालान कट जाएगा। तो मैं यही बोला। तो गाइस, ये नौगांव का स्टेशन है। This is our Nagao station. This is the track. Guys, ये market side area है, यही से मार्केट शुरू होता है, और ये एक सुपर मार्केट है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। देन दिस इज़ आरडी, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। बेस्ट शॉप है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलते हैं। ये भी पूरा मार्केट साइड एरिया, यहीं पे लोग दुर्गा पूजा, ईद वगैरह में यहीं पर आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गाइस, ये बड़ा बाजार है, सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा होलसेल के रेट में। और ये धुआं, लोग देख रहे हो कितना गंदा हो चुका है ये जगह। यहाँ पे माल लोड आउट हो रहा है, लोड इन लोड आउट। धूप बहुत निकल आई है इसलिए शायद इतना फोकस नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप गाइज, ये बहुत ही फेमस मंदिर है, व्यावसायिक पूजा समिति नवाओं के, और ये सदर थाना, ये नौगांव का सदर थाना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये पूरा मेडिकल के शॉप्स वगैरह यहाँ पे होलसेल के, ये होलसेल का बाजार है सब्जी मंडी का। और ये भी मार्केट ही है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिकल के शॉप वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। ये धारा बस स्टैंड है, और ये सोइकिया मार्केट, लड़कों को पता ही होगा क्योंकि लड़के लोग यहाँ पे खूब आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। लड़कों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन आता है कपड़ों का। और ये नौगांव कॉलेज का बैक साइड, और इसको गाहौरी बाजार कहते हैं गाइस, सब्जी मंडी। यहाँ पे एक अजीब सा स्मेल आ रहा है क्योंकि फॉर दिस कितना गंदा है यहाँ पे।
अभी बहुत सारे शॉप बंद है लेकिन खुल जाएंगे थोड़ी देर बाद। और गाइस ये बैप्टिस्ट का चर्च है नौगांव का, बहुत ही खूबसूरत है ये। हम हमेशा आते हैं यहाँ पे, कभी कभी 25th को भी आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत ही पुराना है, 25th जनवरी 1845 को ये बना था यहाँ पे, मतलब ये बहुत ही पुराना है। और ये लवर ब्रिज, हम फर्स्ट टाइम एवर। और ये गर्ल्स कॉलेज का रास्ता, मेन गेट। ये इंडोर स्टेडियम। गाइस ये ब्रिज देख रहे हो आप, बहुत ही डेंजर ब्रिज है, फिर भी हम आ गए। तो किधर से जाना पड़ता है, और नया ब्रिज बन रहा है। आप लोग शायद आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे पूजा हो रहा है, हनुमान जी का टेंपल और यहाँ पे पूजा हो रही है मॉर्निंग। तो गाइस ये गॉफ बॉयज HSS स्कूल है, बहुत ही पुराना स्कूल है, 1865 को ये बना था ये स्कूल। और जब इसका 150 ईयर्स हुआ था, बहुत ही बड़ा एक फंक्शन हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मैं भी यहाँ आया था। तो ये स्कूल बहुत ही पुराना है गाइस, और यहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह भी यहाँ पे होता है, तो ये स्कूल नौगांव के लिए एक मेमोरी जरूर है ये। ये गाइस बहुत ही मस्त जगह है, और ये रामानुजन जूनियर कॉलेज एंड सेकेंडरी स्कूल। और ये रेनेसा सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। ये कैफे कैलेंडुला, और ये है ना गर्ल्स कॉलेज का रास्ता। तो गाइस ये नौगांव का नया पेट्रोल पंप है, और ये देखो आई लव नौगांव। तो बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है जगह कहाँ पे है, तो मैं एड्रेस दे देता हूँ। ये मोड़ी कॉलम के जो सेकंड पेट्रोल पंप है, ये वहाँ पे बनाया गया है। तो आप लोग इधर आओ, फोटो वोटो खींचो, पेट्रोल डलवाओ, मज़े करो। तो गाइस आप लोगों ने देखा है ये नया पेट्रोल पंप, बहुत ही अच्छा ही है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, एकदम नया है, 1 तारीख को इसका ओपनिंग हुआ था। तो आज का वीडियो यही तक था। पता है नौगांव में और भी बहुत जगह है,
तो गाइस आप लोग कमेंट करो मुझे, और भी जगह है, अच्छी अच्छी जगह है, आप मुझे कमेंट करो, मैं पार्ट 3 बनाऊँ या ना बनाऊँ कमेंट में बताओ। और भी बहुत सारे जगह छूटे, जैसे मेरा खुद का कॉलेज मैंने व्लॉग में नहीं डाला क्योंकि अभी कॉलेज बंद है और गेट से सामने से करूँगा नॉर्थ वाटर। तो कभी जब कॉलेज खुलेगा मैं अंदर जाके आराम से आपको अपना मेरा कॉलेज दिखाऊंगा। और आप लोग कमेंट करो और कोई कोई जगह छूट गया है कि नहीं, मैं थर्ड व्लॉग इसका बनाऊँ कि नहीं। तो यही तक था आज का वीडियो, एंड लॉट्स ऑफ लव।